हर एक से मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी हसरत की तबीयत भी ख्वातीन और हजरात आदाब। आज मजनून आजादी मौलाना हसरत मोहानी की जिंदगी का एक और बाब खोलते हैं। पिछले एपिसोड में आपने तो मुलायजा फरमाया ही होगा कि मौलाना ने 1921 के आखिर में मुकम्मल आजादी का सूर फूंक दिया है। इनका अपने साथियों को मशवरा है कि हिंदुस्तान को आजाद मुमलिकत करार दे दिया जाए, एक पैरेलल गवर्नमेंट कायम की जाए, उसे चलाने के लिए सारे पुरअमन तरीके इस्तेमाल किए जाए। लेकिन अगर अंग्रेज सरकार ऐसी किसी भी तहरीक के खिलाफ कुव्वत का इस्तेमाल करती है तो सिर्फ अपनी दिफा और बाहालत मजबूरी खुद भी कुव्वत के इस्तेमाल से गुरेज ना किया जाए। अंग्रेज हुकूमत के कान खड़े हो गए, उसे हसरत मोहानी की तकरीर और तहरीर से बगावत की बू आती है। मगर 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। खैर जाने दीजिए, मौलाना की जाती जिंदगी में एक नहायत ही खुशगवार वाकया रूनुमा हुआ है। 18 अप्रैल 1922 को उनकी वाहिद औलाद, उनकी जान से भी ज्यादा अजीज बिटिया यानी नईमा की शादी है उनके आबाई वतन मोहान। स्वदेशी पर गुस्सा आ रहा है। आज 15 अप्रैल हो गई, 3 दिन बाद लड़की, वो भी अकेली लड़की विदा हो जाएगी। मुझसे कह रहे थे 15 की सुबह ही सुबह मोहान आ जाऊंगा। सुबह कब की हो गई कुछ मालूम ही नहीं। भाई लड़की के भी कुछ अरमान होते हैं। आखिरी के 2-3 दिन मायके में माँ बाप के साथ गुजरे, फिर हाथ मलते रहिएगा जब बेटी मेहमानों की तरह घर आया करेगी। क्यों परेशान होती हो, आ जाएंगे, सब्र रखो। हाँ आ जाएंगे, 2 बोल पढ़वाएंगे और कहेंगे जा बेटी तुझे विदा किया। भाई माना कि शादी भी सादगी से होना चाहिए, पर ऐसी भी क्या सादगी कि दिल के अरमान दिल ही में रह जाए। कभी की थी जो अब दवा कीजिएगा, मुझे पूछ कर आप क्या कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। अरे ये क्या है, आज आपको मोहान होना चाहिए था। नईमा बेटी की शादी के 3 दिन रह गए हैं। अरे नईमा के मामू चचा किस मर्ज की दवा हैं, हम तो बस बेटी का निकाह पढ़ाएंगे, और ये सआदत क्या कम है। आप जाइए, कम से कम कुछ ना कीजिए, नईमा बेटी की नज़र के सामने तो रहिए। चले जाएंगे भाई, चले जाएंगे, दोपहर की गाड़ी से चले जाएंगे। सुबह पहुँचना था, शाम को पहुंच जाएंगे। हुई ताखीर तो कुछ बायस से ताखीर भी था। जनाब यहां बैठिए, आपके खिलाफ वारंट है। मुझे मालूम है, दफा 121 और 124 ए ताजी राते हिंद के तहत नफरत और बगावत फैलाने के जुर्म में। दरोगा साहब एक आध दिन की मोहलत नहीं मिल सकती, दरअसल 18 तारीख की इनकी बेटी की शादी है। बिल्कुल नहीं,
मैं सत्याग्रही हूं। हुकूमत से किसी भी तरह की रियायत लेना मेरे मसलक के खिलाफ है। मौलाना जी, सत्याग्रह तो गांधी जी ने वापस ले लिया है। पर मैंने वापस नहीं लिया है और इसीलिए आपसे कोई तावन नहीं करूंगा। आपको मुझे यहां से उठाकर ले जाना होगा। हां, एक सत्याग्रही होने के नाते मैं किसी भी तरह की हिंसा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आइए, उठाइए मुझे। उठाए इनको। हसरत भाई, मैं मुहान इत्तला कर देता हूं कि मौलाना गिरफ्तार हो गए और शादी मुलतवी कर दी जाए। हरगिज नहीं, नेक काम में देर नहीं की जानी चाहिए। घर में चाहे बाप की मैयत भी हो, बेटी की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन 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 कुछ नहीं, आप बस मौलाना बारी को इत्तला कर दीजिए कि नईमा का निकाह वो पढ़े। खुदा हाफिज। जावेद, एक बार सीन फिर से बताना। देखो, हसरत साबरमती जेल में है, जो अप स्टेज पे है, और उनकी बेगम कानपुर में, जो डाउन स्टेज पे है। दोनों बहुत ही दुखी बैठे हुए हैं। बैकग्राउंड से हसरत की ये गज़ल। ऋषभ, सुनिया, गज़ल की कोई धुन बनी? हाँ यार, बनाया तो है कुछ, ट्राई करते हैं। सुनाओ सुनाओ। लुत्फ की उनसे इल्तिजा न करें, लुत्फ की उनसे इल्तिजा न करें। हमने ऐसा कभी किया न करें। मिल रहेगा जो उनसे मिल शौक उनका सो मिट चुका हसरत। क्या करें हम मगर वफा न करें। मजीद क्या कहूं, क्या आप अंग्रेज हुकूमत से किसी इंसाफ की तवक्को रखते हैं? तफसीलात में जाने से कोई फायदा? मौलाना को 2 साल के लिए कैद बामुशक्कत हुई। उन्हें साबरमती जेल से यरवरा जेल पूना ले जाया गया। मौलाना को सी क्लास में रखा गया। मौलाना ने जेल में भी नॉन कोऑपरेशन तहरीक जारी रखी। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन तहरीक के तहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने तक से इनकार कर दिया।
Besides, I have no faith in this government from which this so-called court derives the authority of trying me. غرض کہ مولانا نے صرف اپنے ضمیر کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے دو سال یرودہ جیل میں گزار دیے. ورنہ اگر انہوں نے اپیل کی ہوتی تو شاید وہ بری بھی ہو جاتے. یاد رہے جوری نے اپنا فیصلہ حسرت کے حق میں دیا تھا, مگر سیشن جج نے جوری کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا. خدا تم دونوں کو خوش رکھے, سلامت رکھے, آباد رکھے. رو مت بیٹی, رونے سے کیا حاصل. رونے دو, میرے لیے تو آج ہی بیٹی کی ودائی ہے. چلو چلو, ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا, چلو. دیکھو نا, آج بیٹی کی محبت مجھ پر بھاری پڑ گئی. تم سے تو کچھ کہہ سن ہی نہ سکا. چلو چلو, ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. مولانا کو صرف دو سال کی نہیں, چار سال کی قید ہوئی. وہ ہوا یوں کہ ایک روز مولانا نے جیل کے ایک ملازم کو اخبار کی رد دی, ایک روپے کا سکہ اور کاغذ کا ایک پرزہ دیا. پرزے میں یہ لکھا تھا کہ انہیں ایک روپے کی ریزگاری چاہیے, مگر حکومت نے اسے جیل کے مینوئل کی خلاف ورزی مانا اور مولانا حضرت موہانی پر سمگلنگ کا الزام عائد کر کے ایک نیا مقدمہ چلایا. عدالت نے مولانا کو دو سال کی اور سزا دی. بغاوت اور انگریز حکومت سے جنگ کرنے کی سزا بھی دو سال, اور کاغذ کی ردی جیل سے باہر پہنچانے کی سزا بھی دو سال. اور کیا کہوں, نئی روشنی کی عدالتیں ہیں نرالے ڈھنگ کے فیصلے, نہ نظیر ہے نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے نہ اپیل ہے. دوسری سزا کے خلاف بہت ہنگامہ ہوا, لوگوں نے جا بجا ہڑتالیں کی کہ حسرت کو جلد از جلد رہا کیا جائے. سینٹرل اور سٹیٹ لیجسلیٹو کاؤنسل میں حکومت وقت سے سوالات کیے گئے, اخباروں میں حسرت کی سزا کے خلاف مضامین لکھے گئے. بالآخر حکومت وقت کو جھکنا ہی پڑا, حسرت کی دوسری سزا معاف کی گئی اور 2 اگست 1924 کو حسرت رہا کر دیے گئے. گاندھی جی نے تمام ہندوستانیوں سے جگہ جگہ مولانا حسرت کا استقبال کرنے کی اپیل جاری کی. عظیم حسرت موہانی 12 تاریخ کو رہا ہو رہے ہیں. ان کے سواگت کے لیے جہاں بھی وہ جائیں گے مجمع ملے گا. ان کی دیش بھکتی, ان کی قابلیت بہت عظیم ہے. ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے مذہب کے لیے, اپنے وطن کے لیے اتنے دکھ اٹھائے ہوں گے. اس لیے مجھے امید ہے کہ جہاں بھی وہ جائیں گے ان کا گرم جوشی سے سواگت کیا جائے گا. قید و بند کی مصیبتیں حسرت کے لیے ٹونک کا کام کرتی تھیں. خیال کیجئے کہ حسرت جب جب بھی جیل سے رہا ہو کر آتے تھے تو ان کی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو جاتی تھی. بقول شاعر, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اب آپ خود ہی دیکھیے کہ رہائی کے بعد حسرت تازہ تازہ کانپور آئے ہیں اور چند دنوں کے بعد کس سے روبرو. تو جناب, کیا اس میں گرامی ہوا آپ کا؟ جی بھگت سنگھ. گھر سے بھاگ کے آئے ہو؟ جی جی جی. نہیں تو. اس تحریر کو پہچانتے ہو؟ جی, یہ تو میرے والد صاحب کا خط ہے.
आप उन्हें कैसे जानते हैं? तुम्हारी दादी बहुत बीमार है। जी झूठ है, दादी से ज्यादा सेहतमंद औरत पूरे पंजाब में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। वो पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर मैंने अभी शादी नहीं करना। कर लो, बुरा मशगला नहीं है। जी नहीं, मेरा मकसद मुझे शादी करने की इजाजत नहीं देता। माँ बाप की नाफरमानी भी मुनासिब नहीं, लाहौर लौट जाओ। अगर आपके माता पिता आपको कहे कि आजादी वजादी का चक्कर छोड़ो और जमींदारी संभालो, तो क्या आप उनका कहा मान लेंगे? भाई वाह, तुमने तो हमें लाजवाब कर दिया। चलिए कोई दरमियानी सूरत निकालते हैं। जी मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि आप अपने शागिर्द गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार में मुझे नौकरी दिलवा देंगे। एक शर्त पर। शर्त? तुम पहले घर लौट जाओ, मैं तुम्हारे वालिद को खत लिख दूंगा कि तुम्हें शादी के लिए मजबूर ना किया जाए। फिर तुम कानपुर आ जाना और मैं गणेश से कहकर तुम्हें उसके अखबार में लगवा दूंगा। जी लेकिन तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चाचा अजीत सिंह ये मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, वो मेरा कहा नहीं टालेंगे। जी यहाँ तो आप ही मेरे वालिद की जगह है, आपका हुक्म सराखों पर। और सुनो, हालात के पेश नजर कानपुर में अपना नाम बदल लेना। जी क्या रख लूं? मुझे बख्तावर सिंह नाम बहुत पसंद है। फिर बख्तावर सिंह को इजाजत दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, हसरत के ताल्लुकात भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे इनकलाबी लीडरान से थे। गणेश शंकर विद्यार्थी तो हसरत को अपना सियासी गुरु मानते थे। कानपुर यूं भी उन दिनों इनकलाबी तहरीक का गढ़ था। कहते हैं कि ये लोग हसरत के स्वदेशी स्टोर पर भी मिला करते थे। ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी। इसका इंकशाफ जब हुआ जब हम ये ड्रामा तैयार कर रहे थे। गणेश जी, क्या मौलाना हसरत हमारे विचारों और इरादों से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल हैं। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है, आजादी बिना इनकलाब लाए संभव नहीं। खुद ही कहते हैं, ऐ हश्र जल्द कर तहोबाला जमीन को, कुछ भी न हो उम्मीद तो है इनकलाब में। अब तो आपको विश्वास हुआ चंद्रशेखर साहेब, और क्या चाहते हैं, वो आपके साथ शामिल हो जाएं? नहीं, उनका जबानी सहयोग ही हमारे लिए काफी है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, देश के बड़े लीडर हैं, वो हमारी पीठ पर हाथ रखे रहे। बाकी जो हम नौजवानों का काम है वो हम करेंगे। इनकलाबियों के साथ साथ मौलाना कम्युनिज्म की तरफ भी मायल नजर आते हैं। हाँ थोड़ा बहुत कांग्रेस से बेजार हैं। बहरहाल कम्युनिस्ट पार्टी की पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कानपुर में हुई। मौलाना इस कॉन्फ्रेंस की रिसेप्शन कमेटी के सदर थे। सुना है आप कम्युनिस्ट हो गए हैं। कोई गुनाह किया? भाई एक वक्त में आप क्या क्या होंगे, कांग्रेसी, लीगी, हामी खिलाफत और अब कम्युनिस्ट। देखिए अदील अब्बासी साहब, जो भी तहरीक या तंजीम हिंदुस्तान की आज़ादी की हिमायत करती है मैं बेचूंचरा उसके साथ हूँ। और कम्युनिस्ट मैं कब नहीं था? क्या मैंने हर मौका बेमौका कानपुर में मजदूरों की क़यादत नहीं की है? आइए आप। कांग्रेस से आपकी मोहब्बत अपनी जगह और कम्युनिज्म से मेरी मोहब्बत अपनी जगह। दुरुस्त फरमाया आपने, और हम दोनों की मोहब्बत स्वदेशी से अपनी जगह। हमारे उसूल में सरमायादारी और शख्सी जायदाद के मुतल्लिक कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात अवाम में यूं अदा की जाती है कि जमीन भी
हवा और पानी की तरह अतियाए इलाही है, जिस पर किसी की मिल्कियत मुकर्रर नहीं की जा सकती। हमारे अगराज व मकासिद ये हैं, हिंदुस्तान में स्वराज यानी आजादी कामिल कुल जायज तरीकों से कायम करना, और स्वराज कायम होने तक मजदूरों और काश्तकारों की फलाह आजादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करना। जो शख्स हमारे उसूलों को माने वो हमारे फरीक में दाखिल है, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान, बौद्ध हो या ईसाई। हमारे नजदीक ला मजहबियत भी एक मजहब है। हमारे बाज मुसलमान लीडर कम्युनिज्म को इस्लाम के खिलाफ बताते हैं, जबकि हकीकत हाल बिल्कुल बरक्स है। मसलन सरमायादारी के खिलाफ इस्लाम का फैसला कम्युनिस्ट अकीदे से भी ज्यादा सख्त है। खल्क खुदा में जब तक एक भी शख्स भूखा है, इन मालदारों को ऐश करने का कोई हक नहीं। यही हसरत की खसूसियत थी। दरअसल वो किसी भी पार्टी के न थे, या हर उस पार्टी के थे जिसका नस्बुलैन हसरत के नस्बुलैन से मिलता था, यानी के हिंदुस्तान की गुलामी से आजादी, मुकम्मल आजादी, वो भी बिला ताखीर। वक्त का एहतराम लाजिम है, वरना दिल तो करता है कि मौलाना हसरत की हयात और कारनामों के सभी गोशे एक एक करके अभी का अभी उजागर कर दूं। बहरहाल वक्त की तंगदामानी सिर्फ आज पर ही मौकूफ है। अगले एपिसोड में हसरत और उनकी कारगुजारी बराए आजादी हिंदुस्तान पर खूब खूब गुफ्तगु होगी। इजाजत दीजिए हसरत के ही एक मौजू शेर के साथ, राएगा हसरत न जाएगा मेरा मुश्त गुबार, कुछ जमीन ले जाएगी कुछ आसमान ले जाएगा। खुदा हाफिज। तिलावत भी एक तुरु